अभी हम लोग जा रहे हैं यामा की जो फर्स्ट सर्विस है 1000 किलोमीटर पे जो होने वाली थी, 1118 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। ये एक सब्सक्राइबर मिला है, आ गया देख, ये वाला है, ये देखो मिल गया अभी। हाँ ये ऑयल ले लिया, अभी जा रहे फटाफट से इंडिकेटर लेने, क्योंकि इंडिकेटर पीछे का टूट गया। काया कैस्ट्रोल GTX था हमारा इंजन ऑयल, और उसकी कॉस्ट आई हमारे को 400 रुपीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर MS मोटो व्लॉग। तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं यामा की जो फर्स्ट सर्विस है 1000 किलोमीटर पे जो होने वाली थी, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1118 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। विनोद भाई ने वैसे भी बोला था कि 1200-1500 पे आना, मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ऑयल व्हील थोड़ा ज़्यादा ही लीक होने लग रहा है और ऑयल कम हो गया इंजन ऑयल का। तो अभी हम लोग फटाफट से जा रहे हैं, आज हमारे इंजन ऑयल पूरा रिप्लेस होएगा, जो भी पूरी यामा की जो बेसिक सर्विस होती है। RX 100 में ज़्यादा कुछ तो है नहीं सर्विस के लिए, तोड़-तोड़ बॉडी वो सब रहता नहीं है जैसे सुपर बाइक में रहता है। तो जा रहे फटाफट से आज पूरी सर्विस कराएगी, और जो भी काम है बम्बई में वो भी करके हम लोग वहाँ से निकलेंगे, फिर विनोद भाई के पास जाएंगे। पूरा रास्ते में बताते रहता हूँ मैं आपको हम लोग कहाँ कहाँ से जा रहे हैं और सर्विस में कितना कॉस्ट लग रहा है हमारा, और क्या क्या हो रहा है सर्विस में, और इंडिकेटर जो टूट गया था इंडिकेटर चेंज कराएंगे। आज सोच रहा हूँ कि मैं छोटा वाला इंडिकेटर लगाऊं, जिससे कि गाड़ी कभी बाय चांस गिर भी गई तो इंडिकेटर पहले ना टूटे, क्योंकि गिर रही है तो डायरेक्ट इंडिकेटर टूट रहा है। वैसे तो गिरी नहीं थी, वो अलग हुआ था कुछ, वो ऑन कैमरा मैं बता नहीं सकता, तो ऐसा ऐसा मसला है। अभी फटाफट से हम लोग निकल रहे हैं, और ये अभी है हम लोग शूटिंग की जगह पर पीछे वाले रोड पर, क्योंकि बम्बई के लिए ये रास्ता सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक नहीं होता, फटफट पहुंच जाता आदमी। तो अभी फटाफट से निकलते हैं हम लोग, फटाफट से जाते हैं, जो भी हमारा बम्बई में काम है वो निपटा के डायरेक्ट विनोद भाई के पास जाके पूरी सर्विस करा के वहाँ से फिर घर पे आएंगे। आज का व्लॉग तो फुल बिजी होगा, और आज का दिन भी पूरा बिजी होगा, और कुछ ही दिन में आप लोगों को सुपर बाइक के ऊपर भी वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पर। तो उस अपडेट के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी करना। तो चलते हैं अभी फटाफट से बम्बई के लिए निकलते हैं। अभी ये पहला सिग्नल आ गया है शूड़ी का, जो फाटक है शूड़ी फाटक के इधर का, यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग को नहीं बोल के भी एक आधा घंटा जाएगा, क्योंकि बम्बई का ट्रैफिक, अगर जो हम लोग इधर रहता है मस्जिद बंदर का, अगर वो देखा रहेगा किसी ने भी तो उसको पता रहेगा कि मस्जिद बंदर जाने कितना टाइम लगता है, क्योंकि इस टाइम पर पूरा डॉक पर माल भी उतरता है, डॉक से माल लोड भी होता है, उतनी वहाँ की ट्रैफिक और जितने सिग्नल है उस पर अलग वो ट्रैफिक रहता है पूरा, हाथ गाड़ी वाले माल गाड़ी वाले तो इन लोग का भी ऐसा मसला रहता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है उस चक्कर में। और अभी ये अटल सेतु नया ब्रिज जो बना पूरे बम्बई में सबसे लॉन्ग ब्रिज, अरे क्या ही ब्रिज है भाई, और बाइक तो अलाउड नहीं है, बाइक अलाउड रहती तो क्या मज़ा आता जाने ऊपर चढ़ के, टॉप स्पीड खोल सकते थे यामा की हम लोग उस टाइम पे, उस पर मगर बाइक अलाउड है नहीं। तो क्योंकि अभी बीच में भी 3 बाइकर चढ़े थे, उनको फाइन आया था, मेरे को वीडियो आई थी वो, तो बाइक अलाउड है नहीं। तो कार वाले लोग के तो मजे मजे हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम पे भी हैं मैं उनको भी देखा हूँ, क्योंकि उन लोग भी जाते रहते हैं अक्सर। फटाफट से सिग्नल क्रॉस करते हैं अभी हम लोग, है तो नहीं ना भाई, चलो अभी यहाँ से कॉटन ग्रीन राय रोड, वही एक रोज का रूट है समझ जाओ, ये थोड़ा सा पुल करते फटाफट से गाड़ी को, क्या ही खुलती है भाई, इतना पंप है ना गाड़ी के अंदर, पहले से 1978 की गाड़ी है तो भी इतना अच्छा पिकअप, आज की गाड़ी उनकी वो बीट करती है गाड़ी, वो भी बोलते हैं ना जैसे ओल्ड इज गोल्ड, तो ये वो मसला है इसका। और यहाँ का तो एक सीन अच्छा है, क्योंकि अगर आप भारी की रोड से जाओगे ना, वहाँ पे आपको सनलाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, धूप ज़्यादा रहती है समझ जाओ। और ये साइड ना कैसे फ्रीवे का जो ब्रिज है ना ऊपर का, ये ब्रिज आ जाता है, इससे आपको सनलाइट उतना आती नहीं, एकदम ठंडा ठंडा सुकून से जा सकते हैं। अभी अभी मैं राइडिंग ग्लव्स पहना हूँ बस, और हेलमेट है, राइडिंग जैकेट टिकट भी, ये भी हमें धीरे धीरे करके बाय करेंगे हम लोग, सब एसेसरीज बाय करेंगे हमारी, ज़्यादा घाई नहीं करेंगे, आराम आराम से राइडिंग पैंट भी लेंगे, राइडिंग जैकेट भी लेंगे, राइडिंग बूट भी लेंगे,
और अभी बहुत जल्दी सुपर बाइक्स पे भी आपको वीडियो शायद मिलेंगी मेरे चैनल पे, क्योंकि एक भाई है मेरा जिससे मैं बात किया हूँ, तो अभी उनसे भी बात किया हूँ क्योंकि उनका भी चैनल है, वो सुपर बाइक Z800 और सुजुकी हायाबुसा 1300 सीसी रेंट पे बेचते हो, रेंट पे भी देते हैं, किसी को बाय करना है तो उसको भी बेचेंगे। तो अभी उनसे बात किए हैं, उनकी गाड़ियों का भी रिव्यू करेंगे, बहुत जल्दी सुपर बाइक्स भी आपको कंटेंट में मिलेगी। तो अभी फटाफट से मिलते हैं डायरेक्ट, हम जा रुकेंगे अभी बम्बई में, वहाँ अपना काम निपटा के वहाँ मिलते हैं डायरेक्ट। नया प्राइस 430 डिस्काउंट के साथ ऑयल ले लिया, अभी जा रहे फटाफट से इंडिकेटर लेने क्योंकि इंडिकेटर पीछे का टूट गया, अभी जा रहे फटाफट से इंडिकेटर लेते, छोटे वाले मेटल वाले इंडिकेटर लेके फटाफट से जाके सर्विस कराते, इंस्टॉल कराते, जितना भी है पूरा बाइक में सब चेक करके। पर मैं सिमटेक में है क्या अपने पास वो नाम का पैसा है, है। अभी हमारा पूरा ऑयल निकल गया है, अभी विद्या भाई पूरा ऑयल डालेंगे, एक लीटर कैस्ट्रॉल का GDX पूरा। अच्छा तो कितना ML है ये? 750 ML है ना, पूरा डालोगे ना ये? तो एक लीटर है। अच्छा एक लीटर पूरा है, 650 मिला, बाकी से पूरा खाचा। हाँ लेके चलना मेरी गाड़ी में डाल दे। ये देखो पैकिंग का कुछ करो, ऑयल देखो कैसा फेंक रहा है वो, पूरा हमारा पूरा गाड़ी वेट पूरा ऑयल ऑयल हो गया, नहीं पैकिंग डालो फटफट। अभी टूटे ऑयल जा रहा है, अब तो 120 के नीचे बात नहीं होगी। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, इधर आया नहीं, नाम डाल नहीं है, ये नाम डाल दे उसको, ये एक सब्सक्राइबर मिला है और इसको नाम डालने नहीं आ रहा है अभी, ये वाला नहीं दूसरा है, लाओ बताओ मैं डालता हूँ। देख आ गया, देख ये वाला है, ये देखो मिल गया अभी, कोई बच्चा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने पूरी गाड़ी की सर्विस करा ली है, और टोटल कॉस्ट हम लोग का आया है इंजन ऑयल का आया, कैस्ट्रॉल GTX था हमारा इंजन ऑयल, और उसकी कॉस्ट आई हमारे को 400 रुपीज़ इंजन ऑयल की, और जो हम लोग ने इंडिकेटर लिए 4 लिए थे वो मगर लगाए 2 ही, क्योंकि आगे से उतना लुक ख़राब हो जाएगा, जेड का लुक देना था हम लोग को तो आगे के रहने दिए, और ये दोनों इंडिकेटर लगा दिए मेटल में, छोटे से है क्योंकि गाड़ी अगर कभी बाई चांस गिर भी गई तो भी उतना नुकसान नहीं होना चाहिए गाड़ी में, इसके लिए हम लोग ने इंडिकेटर पे पैसे लगाए थोड़े बहुत ज़्यादा ही, और चाइना इंडिकेटर है, कुछ गारंटी वारंटी नहीं है, मैं एक बार जला के भी आप लोग को शो कर देता हूँ चालू करके, देखो ब्राइटनेस तो अच्छी खासी है, आप लोग ब्राइटनेस देख सकते हो, वो साइड का चालू करना, हाँ ब्राइटनेस आप लोग देख सकते हो एकदम मस्त ब्राइटनेस है, और इंडिकेटर भी मेरे को अच्छे लगे, मैं चाइना के कोई गारंटी नहीं कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, और यहाँ से जो हमारा इंजन ऑयल हल्का हल्का लीक हो रहा था उसको भी हम लोग ने ट्यूब वाला वो जो पेस्ट आता है उससे लगा के उसको लगा दिए, अब अगली सर्विस में जो भी होएगा हम लोग का वो क्या क्या होएगा, पूरी वायरिंग में अच्छे से ऑयलिंग होगी जितने भी वायर्स है, और अपना इंजन खुलेगा, जहाँ जहाँ से ऑयल हल्का हल्का भी लीक हो रहा रहेगा वो भी हो जाएगा, और जो हमारा साइलेंसर की जो ऑयल सील है वो भी लीक हो रही थी, वो तो हर RX की प्रॉब्लम है तो वो भी हो जाएगी हम लोग की RX की प्रॉब्लम सॉल्व, और बाकी तो इतना ही था, और मेरे को टोटल पूरी कॉस्ट विनोद भाई ने तो कुछ लिया नहीं ऑयल वील डालने का साफ विफ करने का, वो बोले रहने दे अगली बार जब भी आएगा तो देखते, क्योंकि अगली बार काम ज़्यादा होगा, और अभी टाइम फ़िलहाल के हो रहे 6:30 कुछ हो रहे हैं, अभी मैं देखा नहीं हूँ मोबाइल में आप लोग को शो कर देता हूँ टाइम हो रहा, हाँ 6:30 हो रहे समझ लो, 6:40। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सर्विस सेंटर, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, गाड़ी भी धुलाना है,
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं और एक अगले व्लॉग में।